हेलो फ्रेंड, आज हम इनफोकस एपिक वन इस मोबाइल की अनबॉक्सिंग करेंगे। वैसे तो एक पार्सल हमने अमेजन से बुलवाया है, तो चलिए देखते हैं। इसमें आपको बड़ा सा बॉक्स मिल जाता है। अनबॉक्सिंग करने से पहले हम आपको इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में जानकारी देंगे। इसमें आपको 5.5 का डिस्प्ले मिल रहा है, जो कि फुल HD है। और कैमरे की बात करें तो 16 MP का कैमरा है और 8 MP का फ्रंट कैमरा है। प्रोसेसर की बात करें तो दमदार प्रोसेसर दिया गया है, डेका प्रोसेसर, मतलब 10 कोर प्रोसेसर, जो कि हेलो X20 पर चलता है, रनिंग करता है। और रैम और रोम की बात करें तो 3 GB रैम और 32 GB रोम दिया गया है। और बैटरी तो वैसे ही 3000 mAh की दी गई है और बहुत जल्दी से चार्ज हो जाती है। और ये इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है और 4G नेटवर्क पे काम करता है और एंड्रॉयड 6.0 मास वाला पे रन करता है। तो चलिए हम इसकी अभी अनबॉक्सिंग करेंगे। देखिए कुछ ऐसा दिखेगा। ये रहा मोबाइल, ये रहा उसका मैनुअल गाइड जो एक ही पान का है, और एक चार्जर है, और एक ईयरफोन, और ये रहा डाटा केबल, और ये रही पिन जो सिम और SD कार्ड में डालने के लिए यूज़ करना पड़ता है इसका। तो चलिए मोबाइल की तरफ, ये देखिए उसका ये मोबाइल मिल जाता है। इसका 5.5 इंचेस का स्क्रीन है। तो चलिए हम इसे ओपन कर देते हैं। पावर स्टार्ट, ये देखिए। कुछ ऐसा आएगा तो आप यहाँ अपना सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं, और मैं फिलहाल डायरेक्ट कर देता स्किप स्किप, इसको भी स्किप कर देता हूँ। यहाँ अपना टाइम और कंट्री सिलेक्ट करके टाइम सेट करना है। यहाँ आप चाहे तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल सकते हो। यहाँ तो मैं अभी कुछ लॉक वगैरह कभी सेट नहीं करने वाला, तो नो थैंक्स पे क्लिक कर देता, स्किप कर देता। ये कुछ जानकारी लिखी है गूगल सर्च के बारे में, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। मैं फिलहाल नेक्स्ट क्लिक कर देता। या आप चाहे तो इनफोकस सर्विस एंड अकाउंट को जोड़ सकते हो, मैं तो डायरेक्ट ले लेने वाला हूँ। अब ये मेन बात है जो आपके स्क्रीन में हमेशा काम आने वाली है। तो आप इसे अगर ऐसा रखते हो तो यहाँ पे आपका बैक का बटन, यहाँ का होम का, और यहाँ पर वो एप्लीकेशन मेनू का आता है। तो मैं ये सेट करने वाला हूँ, आप अपनी मर्जी से सेट कीजिए। और फिनिश, ये देखो कुछ इस तरह का दिखेगा। और इसको अभी आपको मोबाइल की लुक की बात की जाए तो ये मोबाइल बड़ा स्लिम है और बहुत ही लाइट वेट है, बहुत हल्का हल्का है और दिखने में बड़ा स्लिम है मोबाइल। इस मोबाइल में आपको साइड में एक पावर का बटन मिल जाता है, और इसके ऊपर ये दो बटन है वो वैल्यू कम ज़्यादा करने का। और आपको पीछे की तरफ एक कैमरा, उसके नीचे आपको फ्लैश लाइट, और उसके नीचे आपको एक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। और इस मोबाइल के नीचे की तरफ आपको एक चार्जिंग स्लॉट दिया गया है जो कि AC टाइप है, और उसके साइड में आपको ये छोटे छोटे होल दिख रहे हैं एक साथ। उसमें स्पीकर लगा हुआ है जो बड़ा क्लियरिटी के साथ देता है। और ये एक होल है, इसमें आपको माइक का ऑप्शन मिल जाता है। और इस मोबाइल में आपको ऊपर की तरफ एक 3.5 mm का ऑडियो जॉक है, जो कि आपको ऑडियो ईयरफोन में सुनने में मदद करेगा। और यह है छोटा सा, इससे आप अपने घर के TV, DISH TV या वाईफाई, AC वाईफाई वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि मोबाइल में आप इंस्टॉल करके आपको चलाना पड़ता है। साइड की तरफ आपको ये जो होल है, इसमें आपको क्लिक करके, देखिए मैं करके दिखाता हूँ,
इसमें आपको ऐसा ऐसा डाल के इसमें आपको दो सिम डालने का ऑप्शन मिल जाता है, या फिर एक मेमोरी कार्ड और एक सिम का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें आपको ऐसा डाल के ऐसे लगाने का है। और सबसे खास बात, इस मोबाइल को आप अपडेट भी कर सकते हैं, जो कि 6.6 में कन्वर्ट हो जाता है। इधर सॉफ्टवेयर अपडेट पर क्लिक किया और यहाँ पे चेक करने के बाद आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। चाहे तो आप कर सकते हैं, फिलहाल मैं तो अभी इसे नहीं करने वाला। इस मोबाइल के कैमरे की बात करें तो ये कुछ इस तरह का, अभी ओपन करके दिखा देते हैं हम आपको। ये कुछ इस तरह का हाई डेफिनेशन कैमरा दिया गया है, जिससे कि आप सेल्फीज और फोटोज बहुत अच्छे से ले सकते हो। इस मोबाइल में आपको 1920x1080 का हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले मिल जाती है, जिससे आप HD वीडियो और 4K की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इस मोबाइल में आपको बड़े अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस मिल जाता है। बड़े हाई लेवल का गेम इसमें आप रन कर पाएंगे। इस मोबाइल में आप इस मोबाइल के अनबॉक्सिंग में आपको क्या क्या मिलेगा वो भी बता देते हैं हम अभी। ये देखिए, ये पिन जो आपने तो सिम और मेमोरी कार्ड लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो आप इसे। ये कुछ ऐसा चार्जर मिल जाता है आपको, जिससे बहुत फास्ट चार्ज हो जाता है आपका मोबाइल। इस टाइप के आपको कुछ ईयरफोन मिल जाता है, जो कि कान में सुनने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इस टाइप के वैसे तो ये कुछ ईयरफोन कुछ खास नहीं लग रहे हैं, फिलहाल रख लेते हैं हम। और ये इसका डाटा केबल, जो कि इसकी पिन मैंने बताया था कि सी टाइप का है। सी टाइप का मतलब कुछ दोनों तरफ से कैसे भी लगाओगे तो भी आपको मोबाइल में अटैच हो जाएगा। इसकी पावर भी बहुत अच्छी है और बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है ऐसे मोबाइल। और आप इसे ऐसे अटैच करके, ये तो सिंपल USB है, लेकिन ये जो है ये बहुत पावरफुल आता है, इस पे गौर कीजिएगा आप। ये हम इसे अभी आपको अटैच करके दिखाते हैं। ये सी टाइप के USB का कमाल है, जो बड़े देखिए। और इससे आपको बहुत फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप भी ये मोबाइल खरीदना चाहते हो तो इस मोबाइल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए हमने इस मोबाइल के फीचर के बारे में और एक वीडियो बनाया है, जिसे आप ज़रूर देखिए। और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि माई लेटेस्ट आइडिया के नाम से जाना जाता है।